हारून रशीद के बारे में मशहूर है कि उनके पास एक मजदूब थे बहलूल के नाम से, इसका बहलूल मजदूब कहलाते थे। तो वो आते रहते थे, जैसे ही कोई मजदूब थे कुछ दीवाने से नजर आते थे तो हारून रशीद जरा उनसे मजा भी लिया करता था, उनसे तफरी किया करता था। तो उस वास्ते उनको खुली छूट दी हुई थी कि जो भी आना चाहे तो आने दिया। तो एक मरतबा बहलूल आए और हारून रशीद की मजलिस में बैठे हुए थे। हारून रशीद ने पानी मंगवाया पीने के लिए, हाथ में गिलास था, मुंह को ले जा रहे थे, बहलूल ने एकदम से रोक दिया। हम उम्मीद जरा ठहर गए, भाई क्या बात है? तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, सवाल का जवाब देना फिर पीने का पानी। तो भाई क्या सवाल है? कहा कि ये बताइए कि ये पानी जो आप पीने जा रहे हैं प्यास की हालत में, अगर ये पानी आपसे रोक दिया जाए यानी मना कर दिया जाए, पानी आपको न मिले, तो इस एक गिलास पानी को हासिल करने के लिए आप कितने दौलत खर्च कर देंगे? फर्ज करो कि आप सहरा में हो, जंगल में कहीं, और प्यास शरीर लगी हुई है और ये पानी की आपको जरूरत है और पानी मिल नहीं रहा है। तो एक गिलास पानी के लिए अगर कोई शख्स आपसे कुछ दौलत मांगे तो कितने दौलत खर्च कर दो? तो हारून रशीद ने कहा, भाई ये तो ऐसी बात है कि अगर प्यासा मर रहा हो आदमी तो मैं आधी दौलत खर्च करके भी अपने अगर एक गिलास मुझे पानी मिल जाए तो यह हासिल करने की कोशिश करूंगा, आधी दौलत भी चली जाए तो कोई नहीं, साथ अच्छा पी है। सरकार में एक सवाल और है, वो ये कि अगर ये पानी जो आपने पिया है ये जिस्म में रुक जाए और बाहर ना निकले यानी पेशाब बंद हो जाए, तो इसको बाहर निकालने के लिए कितने दौलत खर्च कर देंगे आप? कहा कि भाई अगर पेशाब आ रहा हो और बाहर ना निकल रहा हो उस बेताबी और बेचैनी के आलम में, अगर कोई और रास्ता ना हो तो आधी दौलत उसको खर्च कर दूंगा। तो कहा मेन आपकी सारी दौलत जो है वो एक गिलास पानी पीने और उसको बाहर निकालने के बराबर है सारी दौलत। तो तवज्जो दिला दी इस तरफ के गफलत के आलम में जो पी रहे हो पानी, गफलत के आलम में जो खाना खा रहे हो, गफलत के आलम में जो अल्लाह ताला की नेमतें बरत रहे हो, उसके नतीजे में माफियतों में उलझे हुए हो, नाशुक्री में उलझे हुए हो, अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमानियों में जिंदगी बसर कर रहे हो, लेकिन अगर इन नेमतों का ध्यान होने लगे कि ये अल्लाह जल्ला जलालहू की कैसी बड़ी नेमत है, तो फिर अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी तो फिर इताअत भी होगी इंशाअल्लाह।